हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश के सियासी संकट की। हमारे साथ सभी खास मेहमान, हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं और अब बेहद खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व स्पीकर माता प्रसाद पांडे जी सिद्धार्थनगर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। देखिए, स्पीकर का जो खेल है वो मध्य प्रदेश में बड़ा है इस सियासी संकट में। कल मध्य प्रदेश के स्पीकर ने 26 मार्च तक विधानसभा स्थगित कर दी, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के 9 नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। तो जानते हैं जरा माता प्रसाद पांडे जी से, क्या स्पीकर अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभा रहे मध्य प्रदेश में, या फिर सही फैसले ले रहे हैं स्पीकर अपने विवेक के हिसाब से? जब वो कुछ पूछेंगे आपसे, माता प्रसाद पांडे जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश में स्पीकर की भूमिका को आप किस तरीके से आंक रहे हैं? सुन रहे हैं। देखिये, मध्य प्रदेश के स्पीकर ने वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 208 में विधानसभा के संचालन के लिए विधानसभा स्वयं एक नियमावली बनाती है और उसी नियमावली के अंतर्गत विधानसभा का संचालन होता है। विधानसभा के कार्यसूची में वो विषय तो उसमें जुड़ा नहीं था, इसलिए उनका उसमें मैं कोई दोष नहीं मानता हूं कि उन्होंने कोई वो ये जो है विश्वास मत के लिए उन्हें नहीं कहा। अध्यक्ष मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए कोई निर्देश नहीं दे सकता है और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जब इस पर मतदान होता है, इनके भाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान होता है, तो उसमें पक्ष विपक्ष की संख्या का पता चल जाता है। अगर मतदान के द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पता चलता है कि सरकार को बहुमत है, अगर नहीं पारित हुआ तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ये हमारे संविधान की व्यवस्था में है। तो अध्यक्ष के जब कार्यसूची में था ही नहीं तो वो क्या करते उसमें? लेकिन जिस तरीके से राज्यपाल उनसे बार बार अनुरोध कर रहे हैं, चिट्ठी लिखकर बार बार कहा जा रहा है राज्यपाल की तरफ से कि आप पहले फ्लोर टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो सियासी संकट है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। 22 जो बागी विधायक हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कमलनाथ सरकार के साथ नहीं हैं। जी जी जी, देखिए, अनुच्छेद 175 के अंतर्गत राज्यपाल को विधानसभा को संदेश देने का अधिकार है। वो संविधान में व्यवस्था है कि राज्यपाल विधानसभा को कोई संदेश दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने तो निर्देश दिया है मुख्यमंत्री को, विधानसभा को तो दिया नहीं है। तो ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इसमें विधानसभा अध्यक्ष का कोई दोष नहीं है। मुझे लगता है प्रदीप जी को यहां पर आना चाहिए। प्रदीप सिंह जी, पूरा मामला आप टेक्निकलिटीज में उलझता हुआ नजर आ रहा है सर? नहीं, देखिए, जैसे माता प्रसाद जी कह रहे हैं, ये इतना आसान और इतना सरल मामला नहीं है। अगर रोमानी जी आपको याद हो कि कर्नाटक के मामले पर ऐसे ही तकनीकी मुद्दे उठाए गए थे अध्यक्ष द्वारा, तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जो स्पीकर होता है वो दरअसल रूलिंग पार्टी का ही सदस्य होता है, तो ऐसे में उस वो रूलिंग पार्टी के साथ पक्षपात करता है। तो इस सुप्रीम कोर्ट ने इसके आगे जाकर कहा कि अब स्पीकर की के जो अधिकार हैं उसको कम करने की ज़रूरत है, स्पीकर की जो है मनमानी को हम इस तरह से चलने नहीं दे सकते, तो उस पर सरकार का जिम्मा है कि वो इस बारे में नियम बनाए, कानून लेकर आए। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति है कि कल जो स्पीकर ने किया मध्य प्रदेश विधानसभा के, वो ठीक काम नहीं किया उन्होंने। तकनीकी रूप से भले ही आप उनको दोषी न माने, लेकिन एक बार गवर्नर ने अगर कह दिया है कि सरकार अल्पमत में नजर आ रही है प्रथम दृष्टिया और उसको विश्वास मत लेना चाहिए, तो बाकी सब काम छोड़कर विश्वास मत का प्रस्ताव आना चाहिए था, जो सरकार ने नहीं किया। और कार्यवाही स्थगित करने का जो आधार बनाया स्पीकर ने, वो मैं कहूंगा हास्यास्पद है। उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस क्यों नहीं करवाई, उस पर वोटिंग क्यों नहीं करवाई?
अगर संसद चल सकती है तो विधानसभा क्यों नहीं चल सकती? अगर विधायकों को जयपुर से बस में बिठाकर एक साथ लाया जा सकता है और उनको कोरोना का कोई खतरा नहीं होता तो विधानसभा में आने से कैसे हो सकता है? ये तमाम मुद्दे हैं जिसका जवाब कमलनाथ सरकार और स्पीकर दोनों को देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा भी उठेगा। दूसरा पक्ष इस बात को रखेगा कि भाई संसद विधानसभा का सत्र जब शुरू हो गया था तो ऐसे में स्पीकर का ये दायित्व था कि वो जो गवर्नर ने कहा है, देखिए हमारे संविधान में सिर्फ राष्ट्रपति और गवर्नर जो है वो संविधान को प्रोटेक्ट करने का, संविधान को डिफेंड करने का और उसको प्रिजर्व करने की शपथ लेते हैं, बाकी कोई नहीं लेता, प्रधानमंत्री भी नहीं लेते। ठीक है सर, सर आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सियासी तौर पर अब ये मामले को किस तरीके से समझा और देखा जाए। और आइए सीधे रुख करेंगे, अब हम मध्य प्रदेश के सियासी संकट पर चर्चा कर रहे हैं। अशोक वानखेड़े से ब्रेक पर जाने से पहले मैंने सवाल पूछा था, वही सवाल दोहरा देती हूं। अशोक जी अगर मेरी आवाज मिल रही है, सर कुछ देर पहले हमने कमलनाथ का बयान सुनाया था जिसमें कमलनाथ कह रहे थे कि साहब मैं क्यों फ्लोर टेस्ट करूं, अगर विपक्ष को ऐसा लगता है कि मेरे पास नंबर्स नहीं है तो लाए मेरी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। ये क्या सिर्फ मोहलत हासिल करने की एक जुगत दिखती है कमलनाथ की या फिर कोई रणनीति है इसके पीछे? अब कोई रणनीति दिखती नहीं, ये मात्र एक पोस्चरिंग है। सरकार जा रही है ये तय है, सरकार जाना तय है, लेकिन ये आखिरी तक जो लड़ाई लड़ता है कोई भी सेनानी उसका ही एक उदाहरण हो सकता है। हमने कई बार देखा, महाराष्ट्र में भी देखा, जब सरकारें जाती है तो आखिरी टाइम तक वो इस्तीफा देने के पहले भी कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त नंबर है और 5 मिनट बाद बोलते हैं कि हम गवर्नर के पास इस्तीफा देने जा रहे हैं। आज जो बैंगलोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसको मैं महाराष्ट्र के साथ पैरेलल देखता हूँ। महाराष्ट्र में जब ये पूरा केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया था तब शरद पवार ने रात को एक 5-स्टार होटल में सभी एमएलएज की परेड करके कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय पे ये दबाव डालने का प्रयास किया था कि नंबर उनके साथ है। उसके बाद ही जो सर्वोच्च न्यायालय का जो रिजल्ट आया और उसके बाद जो हुआ वो महाराष्ट्र में सबको पता है। ऐसा ही कुछ इस बार जब बीजेपी गई है सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में फिर ये प्रश्न बार बार उठ रहा है कि क्या सरकार के पास पर्याप्त नंबर है, तो जो 22 लगातार कांग्रेस कह रही थी कि ये बंधक बनाए गए हैं, उन्होंने आज खुले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया कि हम सरकार के खिलाफ हैं। इससे कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय पे एक प्रेशर भी बनेगा जो डिसीजन आएगा। लेकिन जो प्रदीप सिंह जी कह रहे थे कि स्पीकर संवैधानिक रूप से तो स्पीकर को बहुत न्यूट्रल होना चाहिए जी, लेकिन होता नहीं है। हमेशा हमने देखा कि स्पीकर की बातों पे लगातार सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी केसेस आपने उठा के देखे तो स्पीकर पे भयानक स्ट्रिक्चर दिए हुए हैं। स्पीकर कई बार अपने लिमिट या एक एक उनको जो जगह मिलती है उस संवैधानिक का गलत फायदा उठाते हैं। कमलनाथ बार बार कह रहे हैं कि हम क्यों अविश्वास प्रस्ताव तुम लाओ, मैं क्यों मत प्रदर्शन करूं? वो इसलिए करना है कि गवर्नर के पास ईमेल गया है, इस्तीफे गए हैं, वही इस्तीफे स्पीकर के पास भी गए हैं। प्रदेश में सबको पता है कि एक राजनीतिक संकट है। ऐसे में गवर्नर ने जब कहा कि आपके पास पर्याप्त नंबर नहीं है, 22 लोग आपके पास से जा चुके हैं, तो क्या आप अपना बहुमत सिद्ध करें? अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात तब होती है कि जब विपक्ष को पता होता है कि सरकार टिक भी जाएगी। महत्वपूर्ण बात अशोक वानखेड़े जी आप कह रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से मामला आगे बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में, कुल मिलाकर नजर सुप्रीम कोर्ट पर, जहां आज 11 बजे माना जा रहा है कि मामला सुनवाई के लिए आएगा। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।